ये दो फुटिया अपने आप को बहुत बड़ा संत बाबा समझ रहे हैं। ये कुछ टाइम पहले रामभद्र Hey everyone, welcome back to my channel Akashdeep 2.0। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले। दरअसल अभी जो मैं बात करने वाला हूँ थारा भाई जोगिंदर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो थारा भाई जोगिंदर रोस्ट करते हुए नजर आए अभिनव अरोड़ा को, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि दो फुटिया बहुत बड़ा बाबा बन गया। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले ये वाली वीडियो देखिए। ये दो फुटिया अपने आप को बहुत बड़ा संत बाबा समझ रहे हैं। ये कुछ टाइम पहले राम भद्राचार्य जी के पास जाते हैं और राम भद्राचार्य जी इसको स्टेज से भगा देते हैं। इनके घर वाले इस बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। खुद नॉन वेज नहीं खाती, लेकिन मेरे चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। ये बच्चा खुद वीडियो के अंदर बोलता है कि मैं चिकन खाता हूँ और मेरे घर वाले वेज खाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इस बच्चे का वकील हमारे यूट्यूबर के ऊपर केस कर रहा है ताकि जो इस बच्चे के ऊपर बोल रहे हैं उनकी आवाज दबाई जाए। इस बच्चे की वाली वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के अंदर ये बच्चा बोल रहा है कि किशन जी मेरा छोटा भाई है। आप इस बच्चे की असलियत तुम लोग खुद देखना। जब इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है तो ये भगवान का रूप कैसे बन के आप लोगों के सामने वीडियो बना सकता है? जवाब चाहिए थारा भाई जोगिंदर को। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि इसके घर वाले को परेशान हो। जय श्री राम। तो गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हैं थारा भाई जोगिंदर के इस स्टेटमेंट के बारे में, कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।